मुंबई से सटे पनवेल रेलवे स्टेशन से गोरखपुर की ओर जाने वाली विशेष ट्रेनों में भीड़ की तस्वीरें सामने आने के बाद अब प्रशासन अलर्ट है और इसी के चलते पनवेल रेलवे स्टेशन पर बड़े पैमाने पर आरपीएफ और जीआरपी पुलिस की तैनाती की गई है। जिनके पास आरक्षित टिकट है सिर्फ उन्हें ही ट्रेनों में सफर करने की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा जो लोग अंदर जा रहे हैं उनकी भी पूरी तरीके से स्क्रीनिंग की जा रही है। जीआरपी पुलिस के मुताबिक पनवेल रेलवे स्टेशन पर सभी तरह की व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं। जीआरपी इंस्पेक्टर समाधान चवरे और उनकी टीम लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वेटिंग टिकट लेकर यात्री स्टेशन पर ना आए और जो रिजर्वेशन टिकट लेकर आ रहे हैं वे भी कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करें। यहां जो यात्री हैं उनको छोड़ने आए उनके जो परिजन हैं उन्हें भी स्टेशन के भीतर या बाहर रुकने नहीं दिया जा रहा है। हर यात्री की बाकायदा थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, उसके बाद ही ट्रेन आने से कुछ देर पहले उनको एंट्री दी जा रही है। अभी करंट चल रहे लॉकडाउन के बैकग्राउंड पे पनवेल रेलवे स्टेशन से नॉर्थ इंडिया में जाने वाले काफ़ी सारे पैसेंजर्स पनवेल रेलवे स्टेशन आ रहे हैं। उनकी सुखद यात्रा के लिए रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिन में और रात में गोरखपुर एक्सप्रेस, उसके बाद लखनऊ एक्सप्रेस और बदनापुर ऐसे जाने वाली गाड़ियाँ छोड़ी जा रही है। गाड़ियों के और प्रवासियों के बंदोबस्त के लिए पनवेल रेलवे पुलिस स्टेशन की तरफ से एक पुलिस निरीक्षक, दो पुलिस उपनिरीक्षक और तकरीबन 30 अमलदार, उसके साथ साथ आरपीएफ की तरफ से दो पुलिस निरीक्षक, 6 पुलिस उपनिरीक्षक और तकरीबन 40 पुलिस जवान, उसके साथ टिकट चेकिंग के लिए 3 से 4 तक के टिकट चेकर, इतना बंदोबस्त लगाया गया है। बंदोबस्त के दरमियान आने वाले जो प्रवासी है उनके कंफर्म टिकट वाले पहले प्रवासियों को हम पहले छोड़ देते हैं, उसके बाद वेटिंग टिकट वालों को छोड़ देते हैं और जो भी बिना टिकट प्रवासी आते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पैसेंजर्स को टिकट नहीं मिल रही है तो कुछ कुछ पैसेंजर्स बिना टिकट भी आ जाते हैं, तो उनको हम गाइड करके उनको समझा के ब्रीफ करके टिकट कन्फर्म करके उसके बाद ही ट्रेन के लिए आने के लिए बताया गया है। और पैसेंजर्स वो मान भी रहे हैं, आने वाले लॉकडाउन में प्रवासियों के या पैसेंजर्स के सुखद यात्रा के लिए पुलिस आरपीएफ और जीआरपी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है और ये उत्तर भारतीय जो प्रवासी है उनको सही सलामत उत्तर भारत में पहुंचाया जाएगा।